एवरीवन, आई एम शेली एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज का वीडियो एक सेलिब्रिटी इंस्पायर्ड लुक जो कि है प्रियंका चोपड़ा इंस्पायर्ड लुक। ये एक्चुअली लुक प्रियंका चोपड़ा ने अपने एंगेजमेंट के दिन अपनी रोका सेरेमनी में वेयर किया था एंड आई रियली लव्ड इट। एंड बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इसे रिक्रिएट भी किया है तो मुझे लगा मुझे भी इसे रिक्रिएट करना चाहिए अपने स्टाइल में। तो हाँ, दिस इज द लुक आई हैव कम अप विद। होप आपको अच्छा लग रहा होगा। एंड गाइज, ये बहुत इजी है, मैंने बहुत इजी तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। जिनको मेकअप की कोई नॉलेज भी नहीं है ना, जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, ये उनके लिए भी ये वो भी कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत इजी है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है ये ओवरऑल लुक, देन यू जस्ट कीप ऑन वॉचिंग। इट्स सो सिंपल, सो एलिगेंट एंड आई रियली लव इट। तो हाँ, अब स्टार्ट करते हैं। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने फेस को प्राइम करने के साथ, जिसके लिए मैंने लिया है स्विस ब्यूटी का प्राइमर। ये ऑयली स्किन वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा प्राइमर है एंड मैं अपने फेस पे इसे डैब डैब करके लगा लूंगी। एंड ये बहुत अफोर्डेबल भी है, लाइक बहुत अफोर्डेबल। एंड देन फाउंडेशन के लिए मैंने लिया है लैक्मे का 9 to 5 फाउंडेशन। गाइस, इस फाउंडेशन की भी जितनी बुराई करूँ ना उतनी कम है, क्योंकि ये फाउंडेशन लाइक बहुत ही, एक तो पहले 5% कवरेज प्रोवाइड करता है, बिल्कुल ना के बराबर कवरेज, एंड देन कोई स्वेट कंट्रोल या ऑयल कंट्रोल बिल्कुल नहीं करता। एंड देन अगर आप इसे स्पॉन्ज से ब्लेंड करने जाएंगे तो आपको 1% कवरेज भी नहीं मिलेगी। तो मैं कभी किसी को रिकमेंड नहीं करूँगी कि वो ये वाला फाउंडेशन लें, क्योंकि ये बहुत ही बुरा फाउंडेशन है, कुछ कवरेज प्रोवाइड करता ही नहीं है। इससे बेटर तो बीबी क्रीम होती है। तो आई जस्ट हेट इट। मैंने बस ट्राई करने के लिए छोटा पैक मंगाया था 150 rupees का, बट बिल्कुल वर्थ इट नहीं है। तो आप बिल्कुल मत लेना, ये बिल्कुल किसी आप मनी वेस्ट है इस पर, लाइक बिल्कुल ये ट्राई नहीं करना चाहिए। तो हाँ, हो गया है मेरा फाउंडेशन। बढ़ते हैं कंसीलर की तरफ, जिसके लिए मैंने लिया है मेरा मेबिलिन का फिट मी कंसीलर। मैं 4 dots इस आइज पे लगा लूँगी एंड 4 dots उस आइज पे, अच्छे से अपनी फिंगर से ब्लेंड कर लूँगी। गाइस, मैं सिर्फ उतना ही कंसीलर लगाती हूँ जितने की मुझे नीड होती है, लाइक मैं बहुत ज़्यादा नहीं लगाती। वो शायद वीडियोज़ में अच्छा लगे, लेकिन रियल लाइफ में जितने मिनिमल प्रोडक्ट, जितनी मिनिमल चीज़ें हम यूज़ करें वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं बहुत कम चीज़ें यूज़ करती हूँ एंड अच्छे से ब्लेंड कर देती हूँ, ताकि हमारी जो स्किन है, हमारी जो मेकअप है, उसकी स्किन लाइक फिनिश आए। इसलिए मैं बहुत कम प्रोडक्ट्स यूज़ करना प्रेफर करती हूँ। तो हाँ, इसलिए मैंने बहुत ही कम कंसीलर लिया, जितने की मुझे रिक्वायरमेंट है सिर्फ उतना। एंड मैं कभी कंसीलर को अपने स्पॉन्ज से ब्लेंड नहीं करती, क्योंकि मैं बहुत कम लगाती हूँ एंड स्पॉन्ज सारा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। इसलिए मैं हमेशा अपनी फिंगर से ब्लेंड करती हूँ। एंड गाइस, आप कॉम्पैक्ट से सब कुछ सेट कर सकते हैं, पर मैं यूज़ कर रही हूँ जॉनसन्स बेबी पाउडर। मैं इससे जो है अपना फेस पूरा सेट कर लूँगी। सी, इट्स वेरी अफोर्डेबल एंड ये एक अच्छे ट्रांसलूसेंट पाउडर का काम करता है। तो हाँ, अपने कंसीलर को भी मैंने इसी से सेट कर लिया है, बहुत नेचुरल लुकिंग फिनिश आती है। एंड आईब्राउज के लिए मैं हमेशा से मैं कोई अलग से प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं यूज़ कर रही हूँ मेरी एक ही आई शैडो पैलेट जो मेरे पास है मेबिलिन की। इसमें से मैंने ग्रे शेड ले लिया है एंड आईज़ के बीच में जो भी गैप्स हैं मैं उनको नेचुरली फिल कर लूँगी। बहुत ही मतलब सी द डिफरेंस। और मैं दूसरी आईज़ भी इसी तरह से फिल कर लूँगी ग्रे आई शैडो से। एंड देन गाइज, अब आईज मेकअप की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है एक्चुअली। मैंने इसके लिए लिया एक ब्राउन शेड, आपके पास जो भी ब्राउन शेड है आप वो ले लेना। मैं इसको लगा लूँगी अपनी क्रीज पे, इस तरह से मैं इसको अपनी क्रीज पे लगा लूँगी। धीरे धीरे करके मैं थोड़ा थोड़ा कलर बिल्ड कर लूँगी, क्योंकि मैंने अपनी क्रीज को अच्छे से डिफाइन किया है इस लुक के लिए। एंड देन गाइज, लिप्स पे मैंने लगाया है ये न्यूडी, बहुत ही न्यूड सा एक कलर है एक्चुअली, बहुत प्रिटी सा कलर है। मैंने इसको अपनी लिप्स पे लगा लिया है, क्योंकि प्रियंका चोपड़ा की जो लिप्स थी, लाइक उसने कुछ ज़्यादा आई मेकअप नहीं यूज़ किया है, तो मैंने अपनी लिप्स पे ये न्यूड कलर का आई शैडो लगा लिया है। एंड देन मैंने मेरा ब्रश बिल्कुल क्लीन है, मैं कोई भी हार्श एजेस जो है मैं उसको ठीक कर लूँगी अपने दोबारा क्रीज पर, एक बार दोबारा मैं इस ब्रश का यूज़ करूँगी, ताकि कोई भी हार्श एजेस ना रह जाए। एंड देन गाइस, प्रियंका चोपड़ा ने एक बहुत ही स्लीक सा आईलाइनर लगाया हुआ था, तो मैं एक बहुत ही स्लीक सा आईलाइनर लगा लूँगी। कोई विंग नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल रेगुलर आईलाइनर है। तो हाँ, मैं ये लगा लूँगी। एंड देन गाइस, मैं अपने आई मेकअप को फिनिश कर रही हूँ बहुत सारे मस्कारा के साथ, क्योंकि प्रियंका चोपड़ा ने कोई आईलैशेस भी नहीं लगाई हैं। तो मैं अपने लुक को फिनिश कर रही हूँ मस्कारा के साथ। एंड गाइस, ये मेरा फेवरेट मस्कारा, ये मस्कारा बहुत अच्छा है, लाइक बहुत ही अच्छा है। एंड देन मैं लगा रही हूँ अपने फेस पे ब्लश, जिसके लिए मैंने लिया है मेरा मेबिलिन का कलर शो ब्लश।
ये बहुत ही प्रिटी पिंक कलर का ब्लश है एंड बहुत ही अफोर्डेबल भी है लाइक। एंड देन गाइस लिपस्टिक के लिए मैंने लिया है मेरी कालाबाग की लिपस्टिक, ये मैंने आपको शेड दिखा दी है एंड ये एग्जैक्टली वही वाला कलर है जो प्रियंका चोपड़ा ने अपनी वेडिंग में अपनी एंगेजमेंट में वेयर किया है, डस्की पिंक शेड। ये बहुत ही प्रिटी शेड है एंड मेरा फेवरेट भी है और बहुत अफोर्डेबल लिपस्टिक है ये तो। हाँ एंड देन गाइज लास्ट पार्ट ऑफ दिस लुक इज द हाइलाइटर, थोड़े से अपने फेस को ग्लो दे देते हैं जिसके लिए मैंने सेम Maybelline द न्यूड्स पैलेट में से एक वो वाला शेड ले लिया जो मैंने आपको दिखाया है, उसे मैं अपनी क्यूपिड बोज नोज चीक बोन सब कुछ अच्छे से हाईलाइट कर लूँगी। एज यू कैन सी मेरे पास कोई अलग से हाईलाइट पैलेट नहीं है, आपको पता है मैं अपनी हमेशा यही वाली आई शेडो पैलेट मल्टी यूज़ करती हूँ, तो हाँ मैंने आज भी वही किया है एंड जस्ट सी एक ही पैलेट कितनी तरह से काम आ गई और मेरे फेस पे कितना अच्छा सा ये ग्लो आ गया एंड आई रियली लव द वे दिस लुक हैज़ टर्नड आउट। तो हाँ ये है मेरा कंप्लीट लुक, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, अगर लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरी वीडियो को लाइक कर देना एंड मेरे नीचे एक अच्छा सा कमेंट लिख देना। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, चिल्ड्रन यू टेक केयर, बाय।